दोस्तों जिन लोगों की स्किन में काफ़ी दाग धब्बे रहते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उनके दाग धब्बे इतने बढ़ गए कि उनकी स्किन बिल्कुल काली दिखने लग गई है, बिल्कुल डार्क दिखने लग गई है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में स्किन वाइटनिंग सीरम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इस सीरम की प्राइस क्या होगी, इसको किस तरह से यूज़ करना है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों इस वीडियो का एंड का पार्ट बिल्कुल भी मत छोड़ना और इस वीडियो में छोटा सा लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, 250 लाइक आपको पूरा करवा देना है। और दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, इस चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों सबसे पहले स्किन व्हाइटनिंग सीरम के नाम की बात करते हैं, ये इस कंपनी का नाम है रॉयल नीड्स स्किन व्हाइटनिंग सीरम। दोस्तों ये खास उन लोग के लिए डिजाइन किया गया है जिन लोग को स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्किन काफी ब्लैक रहती है, काफी डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, स्किन सन से डैमेज हो चुकी है, तो आप इस सीरम को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस रॉयल नीड्स स्किन व्हाइटनिंग सीरम के इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड को यूज में लिया गया है जो स्किन के डेड सेल को निकालने में काफी कारगर होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हेलोरोनिक एसिड, एक खास रिंकल्स यानी कि झुर्रियां चेहरों पर पड़ जाती है उसको रिमूव करने में काफी अच्छा होता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है कोजिक एसिड। दोस्तों कोजिक एसिड की मदद से जो सन से स्किन डैमेज हो जाती है और स्किन को लाइटनिंग देने में काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है। इस कोजिक एसिड की मदद से एज स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स को भी रिमूव किया जा सकता है। और भी इसके अंदर कई इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि लिकोरिक एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये सभी इंग्रेडिएंट्स दोस्तों स्किन को वाइट बनाने में, डैमेज स्किन को रिमूव करने में, जिनकी स्किन सन से काफ़ी डैमेज हो जाती है, जिनकी स्किन में काफ़ी व्रिंकल आ गए, काफ़ी एज ज़्यादा दिखने लग गई समय से पहले, काफ़ी झुर्रियाँ दिखाई देती है, उसको रिमूव करने में काफ़ी कारगर होते हैं। अब दोस्तों बात करें स्किन व्हाइटनिंग सीरम को यूज़ करने की, उसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले फेस को फेस वॉश की मदद से अच्छे से वॉश कर लेना, क्योंकि दोस्तों फेस वॉश करने के बाद हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, तभी अब हम इसको यूज़ करेंगे तो स्किन में काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट होगा और एब्जॉर्ब होगा। थोड़ी सी क्वांटिटी में दोस्तों इस फेस सीरम को अप्लाई करना है अपने फेस पर और नेक पर, हल्के हाथ से मसाज करना है ताकि अच्छे से दोस्तों ये अपनी स्किन में, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और दोस्तों एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप इसको यूज़ करो तो आपको सनस्क्रीन का भी यूज़ करना है, मिनिमम SPF 30 तो होना ही चाहिए, उसे भी आपको यूज़ में लेना है। और इसको यूज़ करना छोड़ दो तब भी आपको सनस्क्रीन को लगाना ही है ताकि आपकी जो स्किन में जो व्हाइटनिंग मिली है वो बरकरार रहे। अब दोस्तों बात करें इस प्रोडक्ट के रिजल्ट की, तो उसका इसका रिजल्ट एकदम हाथों हाथ नहीं मिलेगा कि आप लगाओ तो एक दो दिन में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन तो कम से कम लगेगा, थोड़ा थोड़ा आपके चेहरे में अलग ग्लो दिखाई देने लगेगा, आपकी स्किन टोन थोड़ा निखरने लगेगा धीरे धीरे, और आप सनस्क्रीन को भी यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट दुगने मिलेंगे। अब दोस्तों बात करें इस प्रोडक्ट के स्किन व्हाइटनिंग सीरम के साइड इफेक्ट की, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसके कस्टमर रिव्यू भी काफ़ी अच्छे दिखे गए। अब दोस्तों बात करें इस स्किन व्हाइटनिंग सीरम की प्राइस की, तो 350 रुपये इसकी प्राइस है जो 30 ml की बोतल में आता है जैसे आप देख सकते हो, तो उसकी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाके इसे चेक कर लेना। दोस्तों बात करूँ मैं अपने ओपिनियन की, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हो क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं।